मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना, तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आवाज आ जाए अभी तो बात करके, अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे, ये बात तय हो गई है। और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ मंच पर आएंगे? आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर, जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो विपक्षी एकता की ये खास तस्वीर आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां आपने देखा किस तरीके से आज ये राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि अब विपक्ष को एक करने का ये ऐतिहासिक कदम है और विपक्ष को एकजुट करने के इस ऐतिहासिक कदम के तहत आज ये बड़ी मुलाकात हुई है और जितने विपक्षी दल साथ मिलकर चलना चाहेंगे वो आगे हमारे साथ बढ़े, जितनी पार्टियां आएंगी सबको साथ लेकर चलेंगे,
सबसे पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, उनके साथ उनकी ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हालांकि आज इस विपक्षी एकता की तस्वीर में नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी भी नजर आए और जितनी पार्टियां आना चाहेंगी सबको साथ लेकर चलने की बात यहां राहुल गांधी ने भी कही है। और महत्वपूर्ण ये है कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता पर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है और राहुल गांधी ने कहा यह तो अभी बस एक शुरुआत है। नीतीश कुमार ने कहा इसी शुरुआत के तहत आगे भी और मुलाकात होंगी और जो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहेंगे वो हमारे साथ जुड़े। विपक्षी एकता को मजबूत करना मकसद है, जितनी पार्टियां साथ आएंगी उनको साथ लेकर चलेंगे, विपक्ष को एकजुट करने का ये ऐतिहासिक कदम है। तो खड़गे के घर पर जिस तरीके से विपक्ष के ये तीन बड़े नेता मिले वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए आज पार्टियों ने जिस तरीके से एकजुटता को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की है उस बारे में उन्होंने बताया कि ये महज एक शुरुआत है और अब जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना चाहता है उसको लेकर इसी तरीके से बैठकों का दौर होगा। ये एक शुरुआत है जिसमें सभी एकजुट होकर आगे लड़ाई को जारी रखेंगे। हालांकि विपक्षी एकता की इस तस्वीर और ये जो वीडियो सामने आया है खड़गे के घर पर हुई मुलाकात की ये तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जाकर नीतीश कुमार जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, उन्होंने आज ये महत्वपूर्ण मुलाकात खड़गे के साथ की है, राहुल गांधी के साथ की है और तेजस्वी भी इसमें उनके साथ नजर आए, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि जो विपक्षी दल सहमत होंगे वो सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। देश में विचारधारा की इस लड़ाई का एक बार फिर से राहुल गांधी ने जिक्र करते हुए कहा कि ये एक शुरुआत है, विपक्षी एकता के साथ इसी आइडियोलॉजी के खिलाफ हम आगे भी लड़ाई को जारी रखेंगे। देश की संस्थाओं पर हमले की बात राहुल गांधी ने कही है, विचारधारा का राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जिक्र किया और बताया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, जहां बैठकों का दौर आने वाले दिनों में भी विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जारी रहेगा। तो दिल्ली दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार ने आज खड़गे के घर पर जाकर जो मीटिंग की है उसी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता को लेकर ये बैठकों का दौर अब शुरू हो रहा है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बार फिर से ये संकेत साफ दे दिया गया कि ये महज एक शुरुआत है और राहुल गांधी ने दोहरा दिया कि जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम यहां पर अब मीटिंग कर रहे हैं उसमें सभी विपक्षी दलों को वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विक्रांत आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल दोहराएंगे अपना। विक्रांत मैं जानना चाहती हूँ विपक्षी एकता की ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? जी निश्चित तौर पर आप देखें कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के एक और नीतीश कुमार और एक और तेजस्वी यादव बैठे हुए थे और सबने एक ही लाइन पर बात की कि एक विपक्षी एकता हम पर हमने चर्चा की है। राहुल गांधी ने कहा कि एक ऐतिहासिक कदम है आने वाले वक्त में, नीतीश कुमार ने कहा इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी हद तक बातचीत हो गई है हमारे बीच। लेकिन अहम बात वही है कि जो सवाल पहले से खड़े हुए हैं कि तेलंगाना में BRS के साथ क्या होगा, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ क्या होगा, इसके अलावा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम में से किसको चुनेंगे, कैसे तीनों का गठबंधन हो पाएगा क्या, तो ये सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं इनके सामने। लेकिन एक बातचीत और विचार लंबे वक्त तक भीतर चला खड़गे के आवास में और अभी भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भीतर हैं, कांग्रेस के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बात अहम मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ क्या होगा, अखिलेश यादव से क्या बातचीत आगे बढ़ाएंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तो ये सारे सवाल हैं अभी। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि शुरुआत हुई है, राहुल गांधी कहना है कि विचारधारा की लड़ाई है, एक विजन जनता के सामने हम विपक्ष का रखेंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया है राहुल गांधी ने इसको। तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता के लिए एक बड़ी खबर है यहां से, लेकिन राह में रोड़े बहुत सारे हैं जैसा मैंने बताया, उनसे उनको सुलझाना,
उनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने खड़ी हुई है। लेकिन इस बीच किस विजन का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है? इस विपक्षी एकजुटता के तहत ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये बातचीत किस दौर तक पहुंची है। पहले राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया, सुन लेते हैं। काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास कर और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे, ये बात तय हो गई है। और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच पे आएंगे? मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। जो खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर, जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।